स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट को यानी नाउन को सीखा, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को कहते हैं। तो उसमें हमने बताया था आपको कि बहुत सारी चीज़ें संज्ञा होती हैं, जैसे कोई भी वस्तु, निर्जीव वस्तुएँ जिनका कुछ नाम है, सजीव वस्तुएँ जिनका कुछ नाम है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आइए अपने सेकेंड वीडियो में मैं आपको आज भाषा के भेद के अंतर्गत सेकंड पार्ट यानी प्रोनाउन के बारे में कुछ बताऊंगा। प्रोनाउन को ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं। संज्ञा शब्द मतलब पिछले बार भी आपने सीखा था कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या फिर किसी स्थान के नाम को कहते हैं, जिनका भी कुछ नाम होता है। ओके, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि उन नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर हो रहा है कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। यानी एक सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो कि यूज होता है, प्रयोग होता है किसी संज्ञाओं के स्थान पर। संज्ञाओं मतलब नामों के स्थान पर, किन्हीं वस्तु व्यक्ति स्थानों के नामों के स्थान पर जिसका प्रयोग करते हैं बच्चों, उसे हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलिए इसके कुछ एग्जांपल के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही पुरुष के लिए वह, शी महिला के लिए, स्त्री के लिए वह, इट निर्जीव वस्तु के लिए वह या यह, दे मीन्स वे, ये सभी सर्वनाम हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, मी मीन्स मुझे, माई मीन्स मेरा, अवर मीन्स हमारा, हिज मीन्स उसका पुरुष के लिए, हर मीन्स स्त्री का उसके लिए, देयर मीन्स इसके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अपने के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ही डज हिज वर्क या शी डज हर वर्क, तो वहाँ अपने कार्य को करने के लिए भी रिलेटिविटी दिखाने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में, पजेसिव्स के रूप में भी काम आते हैं ये प्रोनाउंस। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। देयर मीन्स उनके या उनका या उनको, देम मीन्स उन्हें, इट्स मीन्स उसके लिए, अस मीन्स हमारा या हमको। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस रहे, कुछ वर्ड्स रहे, इनका मैं यूज़ आपको करके दिखाता हूँ कुछ नाउन्स के स्थान पर किस प्रकार से प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट सबसे पहले हम किसी एक नाम को लेते हैं जो नाउन है किसी व्यक्ति के लिए, ओनली फॉर पर्सन। एक व्यक्ति है राम, राम इज गुड, राम इज गुड इन स्टडीज या गुड इन लर्निंग। ओके, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी राम पढ़ाई में बहुत अच्छा है, राम अध्ययन करने में बहुत अच्छा है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, वो अच्छे प्रकार से पढ़ता है। अब इस राम को जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति है, तो ये आपका नाउन है किसी व्यक्ति का नाम। नाउन के स्थान पर हम रिप्लेस करके इस जगह पर हम यहाँ दिखा सकते हैं, ही इज गुड इन स्टडीज। यानी वह किसके लिए? राम के लिए। वह अच्छा है या अच्छे से पढ़ता है अपनी पढ़ाई को। ठीक है, ही इज़ गुड इन स्टडीज। सपोज दैट यहाँ पे हम किसी स्त्री का नाम ले लें, किसी महिला का नाम ले लें, तो आइए उसे समझते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम नाम लेते हैं कोई विमला, कुक्स फूड, दिस इज अ नॉर्मल टेंस लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट, विमला भोजन पकाती है। इसमें अगर विमला के स्थान पर हम सी ले लें, ये भी नाउन है, स्त्री है, व्यक्ति का नाम है, यहाँ सी यूज कर सकते हैं हम, सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। तो इस तरह आप सीख गए कि जो नाउन वर्ड्स हैं, नाउन हैं, उनके स्थान पर हम
प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।